बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप कहते हो कि बिना दवाइयों के एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी जैसी प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं। ये दवाइयाँ जब हम लेते हैं तो हमें कुछ टाइम तक ठीक लगता है, फिर उसके बाद फिर से वही फीलिंग्स आने लग जाती हैं। दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? दवाइयाँ शरीर में जाकर क्या काम करती हैं? मैम, दवाई खाने से घबराहट तो कम हो जाती है लेकिन प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। इस तरह के तमाम सवाल अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं और मैं कहती हूँ कि देखिए, दवाइयाँ टेम्परेरीली आपको रिलीफ दे सकती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको बेनिफिट नहीं देंगी। मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम का कारण है वो कभी दूर नहीं करेंगी। वो ऊपर से जो उस प्रॉब्लम की वजह से सिम्टम्स आपको बॉडी पर फील हो रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, तो आपकी घबराहट कम कर देंगी, ख़त्म कर देंगी, आपके सर का दर्द ख़त्म कर देंगी, आपको नींद आने लग जाएगी, लेकिन उसके जो कॉजेज हैं वो कभी रिमूव नहीं करेंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कृषिका जैन है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि मेडिसिंस हमारे अंदर जाकर क्या काम करती हैं, उनका क्या लिमिटेड रोल होता है। अगर आप किसी भी समस्या की वजह से दवाइयाँ ले रहे हैं तो आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं और आपके सारे कन्फ्यूजन दवाइयों से रिलेटेड दूर हो जाएंगे। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप इस चीज़ को बहुत क्लियरली समझ पाएंगे। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। देखिए, चाहे आप किसी भी वजह से, एंग्जाइटी की वजह से या डिप्रेशन की वजह से दवाइयाँ ले रहे हैं, तो दवाइयाँ आपको रिलीफ तो करती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में, जैसा मैं बता रही थी कि वो आपको बहुत कुछ खास बेनिफिट नहीं देंगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि दवाइयाँ क्या करती हैं, केवल और केवल हमारे सिम्टम्स पर वर्क करती हैं। कोई भी प्रॉब्लम दो लेवल पर होती है। एक होती है फिज़िकल लेवल पर, जहाँ पर हम सिम्टम्स को फील करते हैं, जैसे कि आपको घबराहट महसूस हो रही है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको उल्टी लग रही है, आपको नींद नहीं आ रही, आपको बेचैनी हो रही है, आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ बढ़ रही है, आपको बदन में दर्द हो रहा है। ये सारे शारीरिक लक्षण हैं। लेकिन ये हो क्यों रहा है? इसके जो कॉजेज़ हैं वो आपके साइकोलॉजी में है, आपके कॉग्निशन के लेवल पर हैं। तो मेडिसिन आपके कॉग्निशन के लेवल पर वर्क नहीं करती, वो आपके केवल फिजिकल लेवल पर वर्क करती हैं। इसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, इमेजिन कीजिए एक रूम है और उस रूम में कूड़ा पड़ा है जिसमें से बदबू आ रही है। अब आप एक बहुत ही अच्छा रूम फ्रेशनर खरीद के लाएँ और रूम फ्रेशनर को उस पूरे रूम में आप स्प्रे कर दें, तो रूम फ्रेशनर बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है, तो कुछ टाइम तक क्या होगा कि वो जो कूड़ा वहाँ पड़ा है उसकी जो बदबू है वो दब जाएगी और आपको वहाँ पर उस रूम में ठीक लगेगा। लेकिन जैसे ही उस रूम फ्रेशनर की जो खुशबू है उसका असर कम होगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर से आपको वो बदबू आने लगेगी। आपको अगर उस कमरे से परमानेंट बदबू को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहाँ से कूड़ा हटाना पड़ेगा, उस रूम की सफाई करनी पड़ेगी, तब आपको बदबू से परमानेंटली छुटकारा मिलेगा। आप कब तक बार बार रूम फ्रेशनर छिड़केंगे? नहीं छिड़क सकते। तो बस इसी तरीके से मेडिसिन जो है, आपके दिमाग में पड़ी हुई वो थॉट्स जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, उस पर ऐसा सोचिए कि उन्होंने जाकर एक रूम फ्रेशनर सा ही ऐसा कि एक फील गुड हार्मोन आपका स्प्रे हो गया है और वहाँ पे आपको ठीक लग रहा है। लेकिन कब तक आप दवाइयाँ खाएंगे? अगर आप दवाइयाँ छोड़ने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, हमारे आसपास जो भी इवेंट हो रहे होते हैं, यानी कि मैं अगर मार्केट में हूँ तो मेरे आसपास कौन सी दुकानें हैं, कौन से लोग हैं, किस तरीके की चहल पहल है, मैं अपने घर में हूँ तो मेरे आसपास वातावरण में क्या हो रहा है, अलग अलग इवेंट्स लगातार चल रहे हैं, अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, अलग अलग एटमॉस्फेयर हमारे को मिल रहा है। अब वो जब भी कोई इवेंट होता है तो क्या होता है, उस इवेंट के थ्रू हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। अब ये इन्फॉर्मेशन, जो सूचना होती है, वो हमारे अंदर कैसे जाती है? वो जाती है हमारी 5 senses के थ्रू। यानी कि हम कुछ देखते हैं, हमने देखा कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति हंस रहा है, कोई रो रहा है, हमने देखा कि कोई कुछ खरीद रहा है, हमने देखा कि सामने बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है, तो हमारी विजुअल सेंस से वो इन्फॉर्मेशन अंदर गई। हम सुनकर भी अंदर इन्फॉर्मेशन को जाने देते हैं, कौन चीख रहा है, कौन अच्छी बातें कह रहा है, कौन बुरी बातें कह रहा है, किस तरीके के साउंड हैं, सब हमारे कानों के थ्रू अंदर जाते हैं। हम स्मेल करते हैं कि ये खुशबू है, बदबू है, क्या है। इसी तरह से हम टेस्ट करते हैं कि ये तीखा है, खट्टा है, मीठा है। इसी तरीके से हम टच करते हैं, फील, ये ठंडा है, गर्म है, इसका टेम्परेचर
लो है, हाई है, तो ये जो फाइव सेंसेस हैं ये पांच मेन गेट हैं जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन हमें इस एनवायरनमेंट से मिल रही होती है वो अंदर जाती है। अब ये इन्फॉर्मेशन जब अंदर जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, तो फिर ब्रेन में एक फ़िल्टर होता है। वो फ़िल्टर कौन सा होता है? हमारा लॉजिकल ब्रेन, जो उस इन्फॉर्मेशन को जो ब्रेन में आई है एनालाइज करता है, क्या सही है, क्या गलत है, किसको अंदर लेना है, किसको छोड़ना है, वो सारे सेंसेस लगाता है। जब हमारा ये फ़िल्टर काम करता है, हमारा लॉजिकल ब्रेन काम करता है, तो फिर वहाँ पे वो उसका मीनिंग निकालता है, उसकी परसेप्शन निकालता है। अभी जो मीनिंग और जो परसेप्शन वो अपने लॉजिक्स के बेसिस पर एनालाइज करता है, उससे हमारे अंदर थाट्स आती हैं। अब वो थाट्स या तो नेगेटिव होंगी या फिर वो थाट्स पॉजिटिव होंगी। तो अब जो भी इन्फॉर्मेशन गई अंदर फाइव सेंसेस के थ्रू, वो ब्रेन में गई, ब्रेन ने अपने फ़िल्टर को यूज़ करा, फ़िल्टर को यूज़ करके उसने उसका मीनिंग निकाला, और मीनिंग निकालने के बाद उसने अपनी एक फाइनली थॉट बनाई। अब वो जो भी उसने मीनिंग निकाला है, जो भी उसका परसेप्शन है, उसके बेसिस पर उसकी नेगेटिव या पॉजिटिव। अब हम बात कर रहे हैं कि एंग्जाइटी की आप मेडिसिन ले रहे हैं, आप डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव ही होगा। अगर पॉजिटिव होता तो फिर किस बात की एंग्जाइटी, किस बात का डिप्रेशन? ना कोई डिप्रेशन होता, ना कोई एंग्जाइटी होती। अब ये जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर पड़ी है, ये हमारे कॉग्निशन का पार्ट है, ये हमारी फिजिकल बॉडी का पार्ट नहीं है, ये हमारे कॉग्निशन का पार्ट है। और मैंने आपको बताया कि मेडिसिंस आपके फिजिकल लेवल पर काम करती हैं, आपके कॉग्निशन पर काम नहीं करती हैं। अभी जो थॉट्स हमारे अंदर आए, इन्होंने हमारे सेरोटोजेनिक न्यूरॉन्स को ट्रिगर कर दिया। ये न्यूरॉन्स ट्रिगर होने से क्या होता है कि हमारे अंदर जो केमिकल्स हैं वो रिलीज़ होने लग जाते हैं, हमारे को इमोशंस फील होने लग जाते हैं, इससे हमारे इमोशंस फील हुए। अब ये थॉट अगर नेगेटिव हुई तो ये इमोशंस जो है हमारे नेगेटिव होंगे, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो फील गुड केमिकल है सेरोटोनिन, उसकी मात्रा कम होगी। अगर ये पॉजिटिव थॉट हुई तो जब ये न्यूरॉन्स ट्रिगर होंगे तो हमारे अंदर फील गुड केमिकल सेरोटोनिन की मात्रा वो ज़्यादा अच्छी होगी, तो हम बहुत अच्छा फील करेंगे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, स्ट्रेस, इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स में क्या होता है, हमारे अंदर सेरोटोनिन कम बनता है, क्योंकि ये स्ट्यूमुलेट तो होते हैं लेकिन ये उतना सेरोटोनिन प्रोड्यूस नहीं होता है जिससे कि हम बहुत अच्छा महसूस करें, हमारा मूड बहुत अच्छा रहे। नेगेटिव थॉट्स के होने की वजह से यहाँ पर जो स्टिमुलेशन होता है, जो हमारे अंदर केमिकल बनता है वो उतना नहीं बनता, वो केमिकल कम बनता है। तो हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं वो हमें एंग्जाइटी प्रोड्यूस करते हैं, हमें डिप्रेस कर देते हैं, हमें ओवर थिंकिंग का शिकार बना देते हैं, हमें फियर्स, हमें तरह तरह की और प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। वो सारे इमोशंस हम फिजिकल लेवल पर भी फील करते हैं, हमें घबराहट होने लगती है, रोने का मन कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये जो इमोशंस होते हैं वो हमारे लिम्बिक सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो सारे इमोशंस हैं वो कहाँ रहते हैं? वो लिम्बिक सिस्टम में रहते हैं। अब ये लिम्बिक सिस्टम में जो है हमारे अलग अलग सोर्सेस से केमिकल्स जब आते हैं, तो फिर यहाँ पर वो केमिकल की सप्लाई होने की वजह से वो इमोशंस प्रोड्यूस करता है। लिम्बिक सिस्टम में नेगेटिव पॉजिटिव सारे इमोशंस जो है वो बनते रहते हैं। अब जब हमारे लिम्बिक सिस्टम में इमोशंस बनते हैं और नेगेटिव इमोशंस हम फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन फील करते हैं। अब मेडिसिंस का क्या रोल है? देखिए, मेडिसिन आपने ली तो वो वहाँ पर जाकर आपके सेरोटोनिन न्यूरॉन्स जो हैं उन्हें ट्रिगर कर देगी और सेरोटोनिन की मात्रा आपके अंदर बढ़ जाएगी। और सेरोटोनिन क्या है? आपका फील गुड केमिकल है। जो भी मेडिसिंस आपको मूड स्टेबलाइजर दिए जाते हैं, SSRIs दी जाती हैं, सारी एटिपिकल मेडिसिंस जो दी जाती हैं, वो सारी की सारी क्या करती हैं? आपके सेरोटोनिक न्यूरॉन्स को ट्रिगर कर देती हैं, उन्हें स्टिमुलेट कर देती हैं, और आपके अंदर टेम्परेरली सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। और सेरोटोनिन क्या है? फील गुड केमिकल है, और वो आपको एकदम से रिलैक्स करता है। आपकी घबराहट गई, आपको डर लगना जो है वो कम हो गया, और आपका मूड थोड़ी देर के लिए अच्छा हो गया। लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि कमरे में कूड़ा पड़ा है और आपने रूम फ्रेशनर छिड़क दिया है, तो वो बदबू कुछ टाइम के लिए दबी, तो बिल्कुल मेडिसिन से भी यही होता है। मेडिसिन जो है वो आपके डायरेक्ट ना उन्होंने आपके इवेंट पर कुछ काम किया, ना इन्फॉर्मेशन पर, ना आपके फ़िल्टर पर कुछ काम किया, ना ही आपके परसेप्शन को चेंज किया, ना आपके थॉट्स पर, कहीं नहीं। वो डायरेक्टली इनको सबको स्किप करके आपके सेरोटोनिन न्यूरॉन्स पर आकर उन्होंने स्टिमुलस दिया, और यहाँ से उसका लेवल एकदम से डायरेक्टली बढ़ गया। अब कॉजेस पर तो काम नहीं हुआ ना, डायरेक्टली इफेक्ट चेंज होगा बस। अब वो इफेक्ट परमानेंट अगर आपको चेंज करना है, तो इससे पहले ये जो सारा लंबा प्रोसेस है,
ये आपको ठीक करना है, क्योंकि जब तक आपका थॉट ठीक नहीं होगा, जब तक आपके इमोशंस चेंज नहीं होंगे, क्योंकि थॉट्स का और इमोशंस का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो मेडिसिंस ने सेरोटोजेनिक न्यूरॉन्स को ट्रिगर करने की वजह से टेम्पररीली आपको रिलीफ दिया, लेकिन ये परमानेंट क्योर नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप मेडिसिन ले भी रहे हैं, अब देखिए आपने कूड़ा अपने दिमाग में कितने टाइम से छोड़ रखा है, वो जो नेगेटिव थॉट्स का है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको सफाई करने में कितना समय लगेगा या उस रूम की स्मेल कितने टाइम में जाएगी। सपोज़ कीजिए आपको 10 साल से 20 साल से एंग्जाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो ऑफकोर्स वहाँ पर जो अंदर सारी की सारी नेगेटिविटी है वो एकदम से तो जाएगी नहीं, आपको कुछ समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। तो आपको पेशेंस रखना होता है। कई लोग अपनी कंडीशन इतनी ख़राब कर लेते हैं कि उनको स्टार्टिंग में थोड़ी मेडिसिन की ज़रूरत होती है, लेकिन आप जब भी चाहें, चाहे आपको 5 साल से प्रॉब्लम हो या 10 साल से प्रॉब्लम हो, आप जब भी चाहेंगे अपनी मेडिसिन आसानी से छोड़ पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थॉट प्रोसेस पर काम करना चाहिए। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कई कई साल से मेडिसिंस ले रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो मेरे साथ कुछ सेशंस करते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, थेरेपी करते हैं, तो उनकी मेडिसिंस टेपर होना स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे वो बिल्कुल मेडिसिंस छोड़ देते हैं और आराम से अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर एक नॉर्मल हैप्पी हेल्दी लाइफ जीते हैं। क्योंकि समझ जाते हैं सब लोग, आजकल सभी लोग इतना एजुकेटेड हैं, वो जानते हैं कि मेडिसिंस परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको ये क्लियर नहीं होता कि कहाँ पर काम करना है एक्चुअल में इस एंग्जाइटी से, इस डिप्रेसिंग थॉट से पीछा छुड़ाने के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमें जो काम करना है वो काम करना है हमें अपने थॉट प्रोसेस पर, ना कि टेम्पररीली आपने एक गोली खाई और उस टाइम के लिए रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी गोलियाँ खा ही नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो ने आपको तो हेल्प कर दिया है, आपको अपने साथ साथ और लोगों को भी एजुकेट करना है। देखिए जब आप किसी को मेडिसिन से बचाएंगे तो आप उसकी बहुत सारी दुआएं कमाएंगे। तो हर व्यक्ति जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कम से कम 5 लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। आप अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक ऐसी यूज़फुल वीडियो ज़रूर अपलोड करती हूँ जो आपके और आपके परिवार, आपके दोस्तों के, आपके प्रियजनों के काम आएगी। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।